हाय फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम बनाते हैं प्याज के पकोड़े। तो प्याज के पकोड़े बनाने के लिए ये मैंने पत्तों वाले प्याज लिए हैं और उसे मैंने अच्छे से धो लिए थे और इसे मैं फाइन चॉप करूँगी इस प्याज को। और मैंने ये फाइन चॉप कर लिए ऑनियन को। अब इसके बाद हम एक बॉल में बेसन लेंगे, तो जितना आपको बनाना हो आप उतना अपने अनुसार बेसन ले सकते हैं। और बेसन में के अंदर जो है हम लहसुन और मिर्च डालेंगे। तो मिर्च को मैंने चॉप कर लिया है और मैं लहसुन को ओखली में कूट लूँगी। तो चलिए अब हम इसे लहसुन को कूट लेते हैं ताकि वो फाइन पेस्ट बन जाए। तो आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। अब ये मैं देखिए इसमें हींग डालूँगी। हींग डालने से थोड़ा इसका टेस्ट अच्छा आता है और ये डाइजेशन के लिए भी बेटर है। तो ये मैंने हींग डाल दिया इसमें। अब इसमें सारे मसाले जो है वो हम डालेंगे वन बाय वन करके। तो ये हल्दी मैंने लिया है, नमक लिया है और ये लहसुन का पेस्ट है। तो ये सारे और मिर्च है, तो ये सबको मैं एक साथ डाल दे रही हूँ ये बेसन के अंदर। सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। आप नमक अपना स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और फिर मैंने ये चाट मसाला लिया है, तो इससे थोड़ा सा इसका फ्लेवर जो है खट्टापन थोड़ा आता तो अच्छा लगता है। अब मैं इसमें थोड़ा गरम मसाला डालूंगी। ये ज़्यादा आप नहीं दीजिए, थोड़ा सा ही दीजिए। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये मैंने गरम मसाला थोड़ा डाल दिया। मैं सारा पाउडर ही ज़्यादा यूज करती हूँ। फिर मैं ये जो ऑनियन चॉप किया था ये सारा ऑनियन मैं इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छी तरीकों से इसे मिलाएंगे बेसन के साथ। वो गुठली पड़नी नहीं चाहिए थोड़े, तो हम इसे थोड़े थोड़े पानी डाल करके धीरे धीरे अच्छे से इसे थोड़ा मीडियम, ना ज़्यादा टाइट हो और ना ज़्यादा ये गीला हो, तो मीडियम रहे। अब मैं कढ़ाई ले रही हूँ और उसको गरम कर दूंगी। अब ये गरम हो चुका है तो इसमें मैंने तेल डाल दिया है। ये तेल देखिए ये उबलने पर आ गया है। अब मैं इसमें थोड़ा चेक करूँगी थोड़ा सा ऑनियन डाल के कि वो सट रहा है या नहीं। तो ये देखिए ये सट नहीं रहा है, अब ये हो गया है लगता है, ये तेल गरम हो चुकी है। तो अब हम वन बाय वन करके पकोड़े छानने के लिए हम बेसन का डालेंगे। आप अपने हाथों से भी डाल सकते हैं, अगर आपको हाथ नहीं गंदा करना तो आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये पकोड़े मैंने तलने के लिए डाल दिया है। ये पकोड़े के खाने का मज़ा असली बरसात में ही आता है चाय के साथ, पर आप कभी भी इसे एंजॉय कर सकते हैं बनाकर। ये मैंने थोड़ा सा ये साइड में किया है कि ताकि ऑयल जो है थोड़ा ड्रेन हो जाए। अब ये देखिए मैंने प्लेट में सारे पकोड़े सजा लिए हैं और मैंने टमाटो सॉस लिया साथ में। आप चाहे तो हरी चटनी ले सकते हैं। तो हरी चटनी भी अगर आपको जानना है कैसे बनता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगी। तो ये देखिए मैं अपनी बेटी को खिला रही हूँ, उसका कमेंट्स देखते हैं कैसा रहता है। ये देखिए इसने बोला अच्छा बना। ओके फ्रेंड्स, तो आप ये गरम गरम पकोड़े जो है आप बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल
सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।